हमारे पास बहुत सारे ऐसे फोन आते हैं जो पूछते हैं कि एक सस्ता पन्ना और महंगे पन्ने में क्या फर्क होता है, और ऐसा क्यों होता है कि कोई सस्ता पन्ना होता है कोई महंगा पन्ना होता है। मोटे तौर से कोई भी चीज की जो कीमत है वो उसकी डिमांड एंड सप्लाई पे जो है आधारित होती है। जैसे पन्ना है वो बहुत क्वांटिटी में निकलता है, लेकिन ज्यादातर जो पन्ना निकलता है उसका कोई बहुत ज्यादा जो है कमर्शियल वैल्यू नहीं होती, क्योंकि वो नॉन ट्रांसपेरेंट, ओपेक, उसके अंदर इस तरह के दाग धब्बे होते हैं कि वो देखने में ही अच्छा नहीं लगता, तो वो काटा जाता है कुछ उसका पार्ट, लेकिन वो जस्ट लेबर कॉस्ट पे बिक जाता है। वो जो थोड़े अच्छे पन्ने होते हैं वो एस्ट्रोलॉजिकल पर्पस से बेचे जाते हैं। इसके बारे में मैं आपको जो है आप देखेंगे तो इस चीज को समझेंगे। जैसे ये जो है 1100 रुपए रत्ती का पन्ना है, इसको जब आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें सफेदी आ रही है, इसका जो रंग है बहुत ज्यादा आई प्लीजिंग नहीं है और इसमें सफेद धब्बे जो है ऊपर दिख रहे हैं, इसलिए ये जो पन्ना है ये बहुत महंगा या बहुत रेयर पन्नों में से नहीं आता, ये जस्ट 1100 रुपए रत्ती में आपको मिल जाएगा। इसके बाद हम आएंगे एक क्वालिटी पे जो कि 6100 रुपए रत्ती है। अब आप इस पन्ने को जब देखेंगे तो ये पन्ना जो है ट्रांसलूसेंट है, इसमें जो है पारदर्शिता है लाइट के अगेंस्ट, लेकिन फिर भी अंदर बहुत ज्यादा रेशा है और इसमें चमक कम है, इसलिए ये पन्ना जो है सस्ता है, बहुत महंगा पन्ना नहीं है ये। जब हम इससे भी बेटर वैरायटी में जाते हैं तो ये एक पन्ना है जो कि 11000 पे रत्ती का है, ये आपको काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंट मिलेगा। इसके अंदर जो शाइन है आप इस तरह से देखेंगे तो देखेंगे पत्थर जो है वो चमकता है, जैसे आपने उंगली में भी पहना होगा तो ये चमकेगा पत्थर, इसके कारण से ये पत्थर की कीमत जो है बढ़ गई। अगर ये पत्थर जो है वो और ज्यादा ट्रांसपेरेंट क्लियर हो जाएगा तो इसकी जो वैल्यू है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। ये देखिए, जैसे ये जो पन्ना है ये 75000 रुपये रत्ती का पन्ना है, आप देखेंगे बिल्कुल पारदर्शी, चमक इसमें अलग जैसी है और ये बिल्कुल कौंध इस मारता है पन्ना, इसलिए ये पन्ना जो है महंगा है। इस तरह से फर्क हो जाता है पन्ने में, जिस तरह से पन्ना, जैसे एक बिल्कुल ओपेक पन्ना है, एक ट्रांसपेरेंट है, एक और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, एक फिर इतना ट्रांसपेरेंट है कि वो चमक मार रहा है, बिल्कुल ग्लो कर रहा है, तो ये पन्ना जो है सबसे महंगा सबसे बढ़िया पन्ना हो जाता है। इस तरह से हम लोग पन्ने को समझते हैं। सबसे अहम चीज़ ये देखने के बाद कि क्या ये ओरिजिनल पन्ना है, ये देखना चाहिए हमें कि उसकी क्वालिटी कैसी है। जस्ट पन्ना है तो उसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है। एक कभी थोड़े दिन पहले एक व्यक्ति एक बहुत बड़ा पीस पन्ने का लेकर आए थे और वो पता नहीं उसके बारे में क्या कीमत सोच रहे थे, पर बिल्कुल वो पत्थर जैसी चीज थी, उसमें कोई लोच, कोई चमक, कोई पारदर्शिता, कोई सुंदरपन था ही नहीं, तो वो बड़ा पन्ना होने के बावजूद भी एक बहुत ही सस्ती चीज थी वो। लेकिन एक छोटा सा पीस पे पन्ने का अगर सुंदर है, पारदर्शी है, उसमें चमक है, सबसे इंपॉर्टेंट जब हम पत्थर और रत्न में फर्क करते हैं तो एक ही फर्क है कि जो जेमस्टोन है, जो रत्न है, उसमें एक अपनी अंदर से कौंध होती है, चमक होती है, तो वो अगर कौंध हो तो चाहे छोटा सा भी पीस पन्ने का हो वो अच्छा महंगा हो जाता है, उसकी अच्छी कीमत कमांड करता है वो बाजार। From where should we buy gemstones? From Gem Selections. Sir, from where should I buy gemstones? Buy from Gem Selections. Dad, from where should I buy gemstone? Buy from Gem Selections. From where do you buy gemstones? From Gem Selections. Finally, we made our purchase of gemstones from Gem Selections. Buy government lab certified gemstones from Gem Selections. Gem Selections. The trusted brand for government lab certified gemstones and diamonds since 1987. Get the Gem Selections app right now.